एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाउ पैशनेट आई एम अबाउट माई एक्टिंग, बट देर इज समथिंग दैट आई एम इक्वली पैशनेट अबाउट, एंड वो है मेरी पढ़ाई। सो राइट फ्रॉम माई स्कूलिंग मैंने हमेशा ये ध्यान दिया कि मैं अपनी पढ़ाई और अपना करियर बैलेंस करती रहूँ, एंड मेरे मम्मा पापा ने भी हमेशा ये ध्यान दिया था कि कभी भी मेरी पढ़ाई को लेके कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो राइट आफ्टर आई फिनिश माई 10th स्टैंडर्ड आई वॉज लाइक अब आगे क्या पढ़ना है। सो मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मम्मा पापा चाहते हैं कि मैं साइंस लूँ, एंड 10th के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिला यू नो सर्च करने का, एक्सप्लोर करने का कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड काफ़ी कुछ रिसर्च के बाद, काफ़ी देखने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, साइंस में नहीं। सो फाइनली दिस कॉन्वर्जेशन केम अप एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू फर्दर और कौन सी स्ट्रीम में मैं जाना पसंद करूँगी। एंड आई टोल्ड देम कि मुझे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर मैंने उन्हें अपनी सारी रिसर्च दिखाई और मैंने उन्हें बताया कि इस स्ट्रीम में यू नो आई कैन हैव अ करियर इन दिस स्ट्रीम। सो फाइनली सब एक्सप्लेन करने के बाद उन्हें समझ में आया कि मैंने क्या सोचा है अपने लिए, एंड दे अग्रीड अपॉन मी टेकिंग कॉमर्स। इस चीज़ से ना मैंने एक बात सीखी कि कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे ना, एक बार ना बस बात कर लेनी चाहिए। एंड करंटली आई एम वेटिंग ऑन माई 12th रिजल्ट, सो आई नो आई बी स्टार्टिंग फर्दर। बट आप लोगों को सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट मे सीम, बट एक बार ना अपने मॉम डैड से बात कर लेनी चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि आपको क्यों पढ़ना है या आपको क्यों काम करना है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज आपकी खुशी से ज़्यादा उनके लिए और कुछ भी नहीं।